तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जाने वाला हूँ थाने के इस्कॉन टेम्पल में, मिस मत करना, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है वो, देख लेना। मैं भी आपको दिखाऊंगा जाके वहाँ पे कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं इस्कॉन टेम्पल में। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं आपको डे का भी व्यू दिखाऊंगा और आपको नाइट का भी व्यू दिखाऊंगा, मतलब लाइटिंग ऑन होने के बाद मंदिर कैसे दिखता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिर अभी फाइनली मिलते हैं मंदिर में। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच गया हम लोग इस्कॉन टेम्पल। तो मंदिर के यहाँ पे पार्किंग नहीं है, ये जो पीछे देख रहे हैं भाई, ये लोग उनके जो रहते हैं घर यहाँ पे, यहाँ पे लोग 20 रुपीज देकर पार्किंग करते हैं। तो दिखा दो मैं आपको, ये सामने मंदिर की एंट्री है, तो आप सामने का अपनी जो बाइक है वो पार्क कर सकते हैं। और फिर अभी चलते हैं अंदर इस्कॉन टेम्पल गेट एंट्री। तो गाइस ये है एंट्री पॉइंट, तो ये एंट्री है, ये आउट है, ये इन है, तो इन में से जाएंगे हम। तो यहाँ पे शू रखने के लिए यहाँ पे लोग ने इसे किया ही, आओ यहाँ पे ना हो ना, फुटवेयर हियर। तो गाइस ये आ गया हमारा कूपन 105। जैसे गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे हाथी की फैमिली है, हाथी का बच्चा, हाथी का बाप, यहाँ पे गोरिला है, सिम्बा। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे है, ये है हमारे थाने का राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन टेम्पल। अगर आपको मंदिर में आना है तो मंदिर का टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक, फिर दोपहर को मंदिर बंद हो जाता है, फिर वो 4:30 बजे खुलता है और फिर 4:30 बजे से उसका टाइमिंग है रात को 9 बजे तक। तो ये टाइमिंग में आप कभी भी विजिट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाम के टाइम पे यहाँ पे विजिट कीजिए, क्योंकि अगर शाम के टाइम पे आप आओगे ना तो आपको जो दिन में जो मंदिर जैसे दिखता है डे लाइट में वैसे भी आपको देखने मिलेगा, और फिर जो 7 बजे के बाद जो फिर लाइटिंग शुरू होती है उसमें तो ऑसम दिखता है मंदिर। तो अगर शाम को आओगे तो आपको दोनों भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच गए हम लोग इस्कॉन टेम्पल, जो सामने है ये वो मंदिर है। तो फिर अभी फटाफट जाते हैं, हम भी दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद दिखाता हूँ नाइट में उसका व्यू कैसे लगा। तो गाइस अभी आ गए हैं पानी पीने,
देखो लोगों ने पानी पीने के लिए भी सब अरेंजमेंट कर दिया। Thank you.